हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अर्पित के ब्लॉग्स में स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, जैसे कि देख रहे हैं, आज खड़ी हमारे साथ होंडा के एक्टिवा 125cc, जो कि ये बेस मॉडल में आती है, तो यहाँ पे है। तो इसका आज मैं है आपको डिटेल में रिव्यू देने वाला हूँ, क्या प्राइस पड़ेगा, क्या माइलेज देती है, क्या ऑन रोड पड़ेगा और क्या क्या इस पे फीचर्स मिलती है। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू आपको देने वाला हूं। तो मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और मुझे अभी तक आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, वहां से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चले दोस्तों, वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप भी एक स्टूडेंट हो और आप भी जो है पैसा अर्न करना चाहते हैं मेरी तरह, तो मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूँ विन ऐप गेम। जो है इसमें जो है टोटल आपको 800 से भी ज़्यादा गेम आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है और लकी वेट्स वगैरह सारा इसमें आपको मिल जाता है। मैं आपको जो है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करके डाउनलोड कीजिएगा और प्रोमो कोड मेरा यूज कीजिएगा Arpit0001, तो आपको 500% का बोनस मिल जाएगा मेरी तरफ से। और इसमें आपको टोटल जो है मिनिमम 300 डिपॉजिट करनी पड़ती है, जिससे कि 300 से आप ज़्यादा भी डिपॉजिट कर सकते हैं और 300 से लेकर आप 3,00,000 तक इस पे आप अर्न कर सकते हैं। तो आप इसे डाउनलोड कीजिए और मेरा प्रोमो कोड जो है Arpit0001 प्रोमो कोड यूज करना आप ना भूलिएगा। टॉप 5 डिपॉजिट्स वालों को आपको जो है गिव अवे भी मिलने वाला है। तो टॉप 5 डिपॉजिट में जो आप आएंगे तो आपको जो है 5 डिपॉजिट वालों को आपको गिव अवे भी मेरी तरफ से आपको मिलने वाली है। तो अगर आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं और डिपॉजिट करते हैं तो आप वहां पे कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताना ना भूलिएगा, ताकि मैं जान सकूं कि प्लेयर आईडी वहां पे आप मेंशन जरूर कीजिएगा। तो जाइए आप मेरे प्रोमो कोड यूज करके Arpit0001 करके आप उसे डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन लिंक आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आपको दे दिया हूँ। और जाइए, लाखों रुपया आप छापिए मेरी तरह। करते हैं अभी इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे है आपको फ्रंट पे जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का पूरा यहाँ पे फिनिशिंग का ग्लो, ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको पूरी वाइजर टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो हेडलाइट मिलती है वो आपको हैलोजन में ही दिया गया है, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पे आपको होंडा का स्टिकरिंग का यूज किया गया है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं दोनों साइड आपको टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि यहाँ पे अभी जल रही है वो भी हैलोजन में ही यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे आपको दोनों साइड जो है जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको DRL का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि मैं एक बार ऑफ करके ऑन किया तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं दोनों साइड आपको DRL का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर पूरी आपको क्रोम फिनिश का यूज किया गया है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी मडगार्ड जो है यहाँ पे आपको सिंगल टोन में मडगार्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपको दिया गया है सस्पेंशन जो यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको येलो कलर का रिफ्लेक्टर दोनों साइड मिलती है। टायर की बात करूं तो इसमें आपको 90-90 का टायर साइज के साथ ये मिलती है। और जो यहाँ पे जो आपको व्हील मिलती है वो 12 इंच का व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मैक्सिस कंपनी का यहाँ पे टायर यूज किया गया है। और 190mm का फ्रंट ब्रेक डायमीटर के साथ ये आती है। अब मैं इसकी हैंडल बटन की बात करूँ तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं लेफ्ट साइड के हैंडल बटन की बात करूँ, यहाँ पे आपको पास लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, हाई बीम लो बीम इसी पे दिया, टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है। हॉर्न जो दिया गया है वो आपको सिंगल टोन यानी कि सिंगल हॉर्न यहाँ पे मिल जाता है। राइट साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक बटन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि इंजन किल स्विच का ऑप्शन मिल जाता है और पावर स्टार्ट का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है। और मैं बात करूँ अब इसकी मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं फुली एनालॉग मीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि 110 का टॉप स्पीड के साथ ही आती है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको पास लाइट का इंडिकेशन मिल जाएगा, इंजन माल फंक्शन, फ्यूल के लो इंडिकेशन वगैरह यहाँ पे आपको सारे बताती है। होंडा की छोटा सा बैचिंग यहाँ पे दिया गया। की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं वही सिंपल डिजाइन वाली आपको की यहाँ पे ऑफर किया जाता है होंडा के तरफ से। और यहाँ पे आपको की डालकर यहाँ पे आप फ्यूल सीट वगैरह यहीं से खोल सकते हैं जैसे कि देख रहे हैं। और लेफ्ट साइड में छोटा सा यहाँ पे क्लब बॉक्स टाइप का यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है, जो कि हम यहाँ पे मोबाइल पानी के छोटा बोतल वगैरह इस पर आराम से आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंगर मिल जाता है जो कि टर्नेबल पूरी आती है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि सामान वगैरह आप इस पर आराम से लाद सकते हैं। जब मैं बात करूं इसकी सीट की, तो सीट जो यहाँ पे देख रहे हैं आपको काफी पूरी जो है लॉन्ग सीट का ऑफर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जो कि 725mm का सीट हाइट के साथ ही आती है। इसी सीट की जो कसन वगैरह है ना वो काफी कंफर्टेबल है, 3 लोग आराम से बैठकर कहीं पर भी जा सकते हैं। और इसकी मैं बात करूँ अंडर सीट स्टोरेज की, 18 लीटर का अंडर सीट स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गाड़ी के कागज पत्र वगैरह यहाँ पे फर्स्ट एड किट पूरा यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप एक हेलमेट आराम से इस पर रख सकते हैं और छोटी
और एक छोटा सा पानी बोतल भी आप इस पे आराम से रख सकते हैं, उतनी स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी ग्रैब हैंडल जो है आपको सिंगल ग्रैब हैंडल यहाँ पे मिलता है जो कि पूरी यहाँ पे है, आपको मेटल बॉडी का यहाँ पे यूज किया गया। साइड प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो इसे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक्टिवा 125 लिखी हुई पूरी क्रोम फिनिश में यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि सिंगल टोन में यहाँ पे दिया गया है जो कि दिखने में काफी बेटर लग रही है। यहाँ पे आपको टर्नेबल अल्यूमिनियम यहाँ पे फुटरेस्ट दिया गया जो कि काफी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे यूज किया गया। साइड स्टैंड जो है वो आपको एसेसरीज में लगाना ही पड़ती है। और यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच का यहाँ पे यानी कि ESP एनहांस्ड स्मार्ट पावर का यहाँ पे आपको ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाता है। इसमें जो रियर सस्पेंशन यूज किया गया है जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 3-स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पे आपको रियर सस्पेंशन ऑफर किया जाता है। और यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इंजन पे होंडा का बैचिंग दिया गया है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें 9000 का यहाँ पे टायर साइज और 10 इंच के अलॉय व्हील के साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि 130 mm का रियर ब्रेक डायमीटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। और मैं बात करूँ यहाँ पे आप बैक प्रोफाइल की तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आपको फ्यूल डालने का ऑप्शन मिल जाता है जो कि 5.3 लीटर का के साथ ही आती है। 5.3 लीटर के फ्यूल कैपेसिटी यहाँ पे दिया गया जो कि E20 को सपोर्ट करती है यानी कि 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल मिक्स रहती है, वही E20 कहलाता है। और चलिए मैं इसकी आप बैक प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं टेललाइट वगैरह जो दिया गया है वो आपको यहाँ पे हैलोजन में ही मिल जाता है। यहाँ पे एक्टिवा 125 ब्रांडिंग दिया गया है। टर्न इंडिकेटर वही आपको हैलोजन में मिल जाती है। यहाँ पे मीटर की छोटी सी लाइट जो कि हैलोजन में दिया गया है। रेड कलर का रिफ्लेक्टर मिल जाता है। और यहाँ पे आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन दिया गया है और ये पूरी मडगार्ड आ जाती है। राइट प्रोफाइल की मैं बात करूँ सर जो है काफ़ी छोटी सी साइलेंसर यहाँ पे आपको मिलती है। तो चलिए मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड भी आपको चेक कराता हूँ। अब इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको चेक कराते हैं। अगर मैं इसकी इंजन की बात करूं तो इंजन जैसे कि बोला कि 124.3 सीसी का आपको इंजन मिलता है जो कि मैक्सिमम पावर ये प्रोड्यूस करता है 8.30 पीएस। और टॉर्क की मैं बात करूं तो 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी आराम से निकाल कर दे देती है जो कि SI इंजन इसमें आपको मिलता है। 4-स्ट्रोक BS6 इंजन के साथ ये आती है। मैं इस गाड़ी के मेन मुद्दे पर बात करूँ इस गाड़ी का जो माइलेज ये निकाल कर देगी वो कंपनी क्लेम करता है 60 किलोमीटर पर लीटर, बट आप एक्चुअल में से आप जब राइड कीजिएगा तो इकोनॉमी मोड पर आप 40 से 60 की स्पीड में चलिएगा तो ये 50 से 55 किलोमीटर का माइलेज आराम से निकाल कर आपको दे देगी। बात करूँ इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की तो इस गाड़ी का जो ऑन रोड पड़ेगा वो 97,580 रुपये आपको ऑन रोड पड़ जाएगा यानी कि 97,580 रुपीज़ आपको इस गाड़ी का ऑन रोड पड़ जाएगा। और इसमें जो है आपको टोटल 4 वेरियंट देखने का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये बेस मॉडल में आ जाती है, इससे टॉप मॉडल भी आती है स्मार्ट की डिस्क ब्रेक वगैरह वाला तो सारा आप उसे ले सकते हैं। और इसमें जो है मॉडल वगैरह आपको मिल जाता है, कलर वेरिएंट 3 से 4 कलर, मैरून ब्लैक कलर वगैरह सारा इसमें आपको देखने को मिल जाता है। स्पेशल थैंक्स टू होरिजन होंडा कोकर रांची मुझे स्कूटी प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप कोई भी होंडा के बाइक या स्कूटी वगैरह आप लेना चाहते हैं तो इनसे एक बार आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया हूँ तो जाइए एक बार आप कॉन्टैक्ट कीजिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइस, बाय। Family, the car, trying to tell the killer thing.